Hello everyone. In last class, we have done some questions of compound interest. आज हम उसी में continue करेंगे, कुछ और questions solve करेंगे नए तरीके से, ठीक है? इसके पहले मैं move on करूँ, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक हमने difference between simple interest and compound interest 2 साल के बीच में निकालना सीखा था. जिन लोगों को नहीं याद है, I will try to just write it down. The difference between SI and CI for 2 years, 2 साल के लिए हमने किया था इसके पहले. तो 2 साल के लिए क्या होता था formula? D, that is P equals to D multiplied by 100 into 100 upon R into R. ये 2 साल के लिए formula था जो कि SI और CI में डिफरेंस निकालने के लिए होता था या फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए होता था, जो भी चीज़ क्वेश्चन में ना दे रखी हो वो. अब यही अगर टाइम बढ़ जाता है, लेट्स से 2 साल से बढ़ के 3 साल का हो जाता है, सो उसको कैसे निकालेंगे? जस्ट सीट फॉर 3 ईयर्स, फॉर्मूला कुछ वैसा ही रहेगा, बस एक चीज़ इसमें बढ़ जाएगी. क्या बढ़ेगी? देखिए, पी विल बी इक्वल टू डी, दैट इज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100. अब 3 साल का है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 into 100 into 100, या फिर इसको आप 100 to the power 3 भी ले सकते हैं, 100 cube भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो डिफरेंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस आर. यही फॉर्मूला है फॉर 3 ईयर्स निकालने का, डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई, ठीक है? फॉर्मूला 2 साल का पता ही होगा आप लोग को, जो पहले हमने जिस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे. डिफरेंस को हम 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे आर स्क्वायर हो जाता था. यहाँ पे क्या है? डिफरेंस विल मल्टीप्लाइड बाई 3 times by 100, और आर स्क्वायर के बाद एक थोड़ा सा ही एक्सटेंशन है, 300 प्लस आर कर देते हैं यहाँ पे, यानी 300 में हम रेट प्लस कर देंगे वहाँ. सो जस्ट नोट इट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, और उसके बाद से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें. लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट, सम प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल अब निकालना पड़ेगा हमको, एट 20% फॉर 3 ईयर्स इज ₹48, ठीक है? 20% पे 3 साल के लिए ₹48 है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर, जो डिफरेंस दे रखा है. द प्रिंसिपल अमाउंट इज, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है फॉर्मूला क्या है, हमको पता है रेट, डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, टाइम दे रखा है और रेट भी दे रखा है, ठीक है? जस्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो देखिए इसको, फॉर 3 ईयर्स है, सो 3 साल के लिए वी विल अप्लाई डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 into 100 into 100 अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस आर. राइट इट डाउन. डिफरेंस इज गिवन एज 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वन मोर टाइम 100. उसके बाद से फिर रेट, रेट क्या दे रखा है? 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 300 प्लस आर, मतलब कि 300 प्लस 20, दैट विल गिव यू 320, ठीक है? दैट विल गिव यू 320. आई विल जस्ट ट्राई टू रब दिस. ओके, जस्ट सी दिस, सॉल्व करते हैं इसको. ये 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? नाउ यहाँ पे आपका 2 से ये आपका जाएगा 24 टाइम्स, अगेन 2 से 12 टाइम्स, ठीक है?
और नीचे 32 बचा है अभी आपका, सो दिस विल गिव यू 4 3 ज़ा एंड 4 8 ज़ा, ठीक है। सो इतना सॉल्व करने के बाद हमको ये 3000 बाई 8 ये हमको मिला है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। सो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 24 एंड 7 ज़ा 56 एंड 5 ज़ा 40, ठीक है। सो 375 आपका जो होगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, 375 विल बी योर प्रिंसिपल अमाउंट। देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस, यस ऑप्शन नंबर ए 375 आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। इन केस अगर कोई दिक्कत है सो जस्ट रिवाइंड द वीडियो और फिर से देखिएगा इसको। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट 14% कंपाउंडेड एनुअली विल ग्रो टू 5458.32 रुपीज़। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सम है जिसको हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 14% पे, और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा है, और वो अमाउंट जो है 2 साल के बाद इतना बन के निकलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे पास रेट पता है, हमको टाइम पता है 2 साल के लिए है, और जो अमाउंट बन के वहाँ से निकलेगा वो भी हमको पता है, दैट इज़ 5458.32। ठीक, पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे प्रिंसिपल, ठीक है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने कई तरीके हैं, लेकिन जो हमने सीखा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसमें सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। सो निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट सी, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 14 प्लस 14 दैट इज R प्लस R इंटू R, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, सो दैट विल बी 196/100, ये हो जाएगा आपका 1.96, ठीक है। 14 प्लस 14 इज 28 और प्लस 1.96 दिस विल गिव यू 29.96, ठीक है। 29.96 आपका जो होगा वो होगा राइट, यहाँ पे जो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पड़ेगा 29.96% आपका पड़ेगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। नाउ हमको रेट पता है, जो रेट पड़ने वाला है दैट इज 29.96, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट आपको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है ये 5458.32, ये 2 साल के बाद मिल रहा है अगर हम 14% इंटरेस्ट 2 साल के लिए अप्लाई करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है वो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, अमाउंट दे रखा है आपको, इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के फॉर्म में ये अमाउंट दिया हुआ है आपको। इंटरेस्ट का रेट हमको पता है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट पता है कितना निकाला था हमने, 29.96, ये हमारा इंटरेस्ट का रेट निकल के आया था, इतने परसेंट इसमें इंटरेस्ट लगा होगा 2 साल के लिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, इसका रेट पता है। अब इसको ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स से अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, इसी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपये होता और आपने उसको इन्वेस्ट किया होता, ठीक, सो इस पे 29.9% का इंटरेस्ट लगता, ठीक है। जब 100 रुपये पे 29.96% का इंटरेस्ट लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 129.96 हो जाएगी, समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे जब इस पे वैल्यू लग रही है इसकी, सो 100 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ उस केस में
29.96% इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 साल में, 129.96, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में दे कितनी रखी है, क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज गिवन एज 5458.32, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5458.32 है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 129.96 के बराबर है, ठीक है। समझो ध्यान से क्वेश्चन को, अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उस केस में हमको अमाउंट जो हमको मिलता 2 साल के बाद इतना मिलता, लेकिन मिला कितना है इतना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमको इतना पता लग गया कि इसकी वैल्यू जो है वो इतनी है, 129.96 जो है वो 5458.32 के बराबर है, ठीक। सो अगर हम निकालना चाहें कि हमारा प्रिंसिपल कितना था, निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड का केस है यहाँ पे, बचपन में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, कि अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, या फिर 50 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 100/50, वही करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अगर हम ये मानते थे कि 50 की वैल्यू आपके पास 100 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 100/50, ठीक है। और अगर वहीं आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 75, तो इसमें हम 75 मल्टीप्लाई कर देते थे। यही केस यहाँ पे करना है, ठीक है, यूनिटरी मेथड में यही केस करना है। जस्ट लेट मी फर्स्ट चेक द अमाउंट, 5458.32, ठीक है। सो हमने ये निकाल लिया था कि 129.96 के हिसाब से 5458.32 इतने की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 129.96 की वैल्यू यहाँ पे 5458.32 दे रखी है, ठीक है। हमको निकालने की इसकी वैल्यू है 100 की निकालनी है वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने प्रिंसिपल माना था अपने केस में 100, ठीक है, अपने केस में हमने प्रिंसिपल माना था कितना, 100। निकाल सकते हैं आसानी से, देखिए कैसे निकालोगे, 5458.32 अपॉन 129.96 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये पॉइंट आपका हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, बट यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आंसर विल बी योर 4200, योर आंसर विल कम आउट 4200, ठीक है। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ट्राई दिस क्वेश्चन, और लेट्स सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 4200 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आज फिलहाल 2 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट्स कीप इट शॉर्ट फॉर द टुडे। इसके अलावा जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस लगाते रहिए, एंड बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।